नर्वसनेस तो ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज ये फिल्म एक बार पहला मामी में प्ले हुआ है, तो वी हैव गॉट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्शन. तो एक थोड़ा एप्रिहेंशन है, बट ठीक है, आई थिंक इट्स नॉट टू सीरियस. दिस इज अ रोमांटिक फिल्म एंड रोमांस में बहुत सारे ट्विस्ट है जो आम आदमी का लाइफ में हमेशा आता है. एंड बेस्ट ऑफ ऑल इज एवरीबडी इन द लाइफ देर इज ऑलवेज अ फर्स्ट लव विच इट गोज रॉन्ग बट यू कैन नेवर फॉरगेट दैट. इज अबाउट दैट फर्स्ट लव. कॉफी ब्लूम एक बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छी कहानी है. मैं देख चुका हूँ इसको एक बार. प्यार जो होता है, इश्क और रिलेशनशिप्स, वो बहुत ही एक प्योर और सच्चा एक इमोशन होता है, मगर उसमें काफ़ी नेगेटिव्स भी होते हैं, बहुत सारी बुराइयाँ भी होती हैं, बहुत ईर्ष्या होती है, जलन होती है. और एक जब एक रिलेशनशिप ख़त्म होता है तो कई बार लोग छोड़ नहीं पाते हैं, तो वो बदले की भावना उनमें बहुत जग जाती है. तो ऐसा उसको लेके ये एक कहानी है कि अगर एक रिलेशनशिप काम नहीं किया और 15 साल बाद वो मिलते हैं, उनके उनकी ज़िंदगियां फिर से एक दूसरे से टकराती हैं, तो क्या क्या हो सकता है. उस बारे में एक लव स्टोरी है, बहुत स्वीट भी है, बहुत डार्क भी है. मतलब उस समय अगर सोचते कि ऐसा होने वाला है तो दिमाग में ये था ही नहीं कभी. एंड इवन खान का सेट बहुत बड़ा था, लाइक 400-500 लोग थे. तो यूजुअली मैं और अर्जुन एक साथ ही, वी यूज्ड टू हैंग अराउंड लाइक टुगेदर ऑल द टाइम. एंड देन हम लोग स्काई डाइविंग भी गए थे, 18,000 फीट से हम लोग जंप किया. सो आई थिंक इफ यू कैन डू दैट विद समबडी, यू कैन डू एनीथिंग. एंड 4 years, 5 years लेटर, नाउ वी हैव डन द फिल्म टुगेदर, आई थिंक अर्जुन इज फैंटास्टिक. इट्स बीन वेरी 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 गुड टू वर्क विद हिम. उसका कोई ईगो नहीं है, एकदम टाइम पे आता है, एक सब एकदम वेरी फोकस्ड एंड एक्सलेंट एंड वेरी इंस्टिंक्टिव एज एन एक्टर. सो आई एम लकी दैट आई गॉट टू वर्क विद हिम अगेन. या यही है, आई मीन यू नो व्हेन यू वर्क, यू वांट टू वर्क विद एक्टर्स हु काइंड ऑफ थिंक अ लिटिल बिट लाइक यू. एंड आपका जो एक कनेक्शन है, इट गोज ऑफ द सेट्स ऑल्सो. तो उस हिसाब से आई मीन वी हैव अ ग्रेट थिंग आई थिंक. एंड मुझे बहुत मजा आया. इन फैक्ट आई ब्रॉट हर ऑन टू दिस फिल्म बिकॉज आई न्यू दैट शी वुड बी नॉट ओनली परफेक्ट फॉर द पार्ट, बट दैट वी वुड टुगेदर बी एबल टू यू नो वर्क इंटीमेटली इनफ टुगेदर टू यू नो पुट द बेस्ट थिंग आउट देयर. वेल, अर्जुन माथुर इज वन ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड्स और वो कमाल का एक्टर है. तो अगर उसने इस फिल्म को चुना है और उसमें काम किया है तो मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं. टू बी ऑनेस्ट, मुझे ज़्यादा फिल्म के बारे में पता नहीं है, बट जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उन लोगों के बारे में पता है, दे आर वेरी सेंसिबल पीपल. तो एक अच्छी सी एक एंटरटेनिंग और एक सेंसिबल फिल्म एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. एक शायद पर्सनल स्टोरी होने वाली है जितना मैंने ट्रेलर्स में देखा है, प्रोमोज में देखा है. सो या लुकिंग फॉरवर्ड. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बहुत ही कूल क्वर्की रियल फिल्म. और जैसे कि कह रहे हैं कि देयर इज़ नथिंग लाइक क्लैरिटी, तो ज़िंदगी में भी अगर वही मैं चाहता हूँ कि लाइफ में अगर क्लैरिटी रहे तो सब कुछ आसान हो जाएगा. या एटलीस्ट एक मकसद जो आदमी को होता है वो एकदम साफ दिखता है. तो अगर वो पता हो एक इंसान के बारे में, देन यू कैन चूज व्हेदर यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद देम, व्हेदर यू वांट टू लव देम. क्या मिलने वाला है आपको किसी और से, अगर क्लैरिटी हो तो अच्छा है. सुगंधा है इस फिल्म में, जो कि हमारी फैमिली जैसी, और उनको सपोर्ट करने आया हूँ मैं. बट मुझे लग रहा है कि फिल्म बहुत मज़ेदार होगी. एंड आई लाइक द टाइटल ऑल्सो, कॉफी ब्लू. एंड आई एम होपिंग दैट आई हैव अ ग्रेट टाइम. बट फिल्म देखने के बाद अगर आप मुझे सवाल पूछें तो मैं आपको और सही विस्तार में जाऊँगा.